फोर्टिस अस्पताल मोहाली के डॉक्टर द्वारा रोबोटिक सर्जरी को लेकर करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जी हां, इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पोस्टरेट कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए सावित्री रोबोटिक सर्जरी का आविष्कार वरदान साबित हुआ है, क्योंकि इससे बहुत छोटा चीरा देना पड़ता है तथा जिस कारण मरीज जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। मरीजों को सर्जरी के बाद चौथे दिन ही अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती है, जिससे मरीजों को जख्मों का दर्द कम होता है तथा उनके स्वस्थ होने के अवसर बढ़ जाते हैं। यह बात 40 साल के यूरोलॉजी कंसल्ट रोबोटिक सर्जन डॉक्टर मनीष आहूजा द्वारा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही गई। जी, उन्होंने कहा कि सर्जिकल रोबोट की खोज से दुनिया में पोस्टरेट सर्जरी जैसे अन्य सर्जरीज में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। इस अवसर पर फोर्ट्रीज के अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। आज आपको इस माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास अब लेटेस्ट टेक्निक यानी रोबोटिक सर्जरी द्वारा कुछ सर्जरीज जो यूरोलॉजी के प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली कुछ कैंसर्स जैसे खास करके प्रोस्टेट कैंसर, जिनके बारे में अवेयरनेस थोड़ी कम है, वो आपके माध्यम के थ्रू मैं वो भी स्प्रेड करना चाहूँगा। प्रोस्टेट कैंसर एक मेल्स में होने वाला एक आम कैंसर है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। ये ग्लैंड एक यूरिनरी ग्लैंड के नीचे स्थित करीब 18-20 ग्राम का जेनिटो यूरिनरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ग्लैंड कैंसर को प्रोन होता है और स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद इसकी डिटेक्शन हो जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर यूरिन के कोई भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी जैसे बार बार यूरिन आना या यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी आनी, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर दिखाएं और चेकअप कराएं कि कहीं आपके अंदर कैंसर तो नहीं पनप रहा है। इसको चेक करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, एक ब्लड टेस्ट किया जा सकता है जिसको हम PSA कहते हैं। इस ब्लड टेस्ट के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी में कैंसर होने की संभावना है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।